हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। आई एम चित्राली बांदे। ठीक है, तो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी फाइव थिंग्स यू मस्ट नो। तो सबसे पहली बात, जैकेट्स एंड स्नो बूट्स यहाँ से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से जैकेट्स एंड स्नो बूट्स ले जाऊँगा या ले जाऊँगी, तो वो जब वहाँ जाके इफेक्टिव नहीं होंगे, बिकॉज़ वो चीज़ें आपको वहीं से लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड ऐसा नहीं है कि नहीं है ठंड, बट जनरली हर जगह पे, बस से लेकर वॉशरूम से लेकर हर जगह पे उनके हीटर्स लगे ही होते हैं। ठीक है, तो वहीं से करो। एंड वहाँ पे नॉर्मली इतना भी कोई नहीं कि ठंड है तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी चीज़ नहीं है। आप इजीली वहाँ पे कर सकते हो सर्वाइव, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं, आप इजीली वहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मेक श्योर जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश में होनी चाहिए। बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी मत चूज़ करो, या ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले बायलिंगुअल थी और अभी इंग्लिश हुई है। मेरे हिसाब से आपको वो भी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, बहुत लोगों को लगता है कि MBBS रशिया में ईजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं वाइवा के फॉर्म में, प्लस 100% अटेंडेंस ये कंपलसरी है। एंड आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता 100 रुपये में वहाँ पे, तो आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको वो क्लास फिर से टीचर से टाइम लेके रिपीट करना होगा। अगर आपका किसी भी क्लास में अगर आप नहीं गए हैं एंड आपका अब्सेंट मार्ग है, जिसे अतराबोध का बोला जाता है, तो आपको फिर से उस टीचर का जाके टाइम लेके अपना जो अतराबोध का है उसे क्लियर करना होगा। एंड अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो 100% अटेंडेंस ये कंपलसरी है रशिया में। ठीक है, एंड जो भी आपका एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, अगर आप कितने भी राजाशाही ज़िंदगी जी ले तो 12 से 15 हज़ार बहुत हो गया। बट अगर आप एक एवरेज और मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना खर्चा करना है। उस हिसाब से अगर आप रहते हैं तो आपका 9,000 से 10,000 भी, मैंने आपको एक अच्छा खासा मोटा खर्चा बताया, 10,000 में आराम से आपकी ज़िंदगी वहाँ पे निकल जाएगी। तो बहुत लोगों को ये पूछना है कि वहाँ पे हमें पैसे मिलेंगे कैसे, क्या कैसे क्या होगा। तो वहाँ पे कोई भी इंडियन कार्ड चलता नहीं है, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड वहाँ बंद हो गया है। तो आपको बाइनेंस से पैसे निकालने होंगे आपके जो भी घर वाले हैं वहाँ पे। आपको गूगल पे से नॉर्मली जैसे भी भेजना चाहते हैं पैसे, वैसे आपके अकाउंट में INR भेजेंगे। एंड वहाँ पे आप खुद या फिर आप किसी के हेल्प के थ्रू वहाँ पे बाइनेंस के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, जिसमें आपको रूबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करने की गलती मत करना। एयरपोर्ट पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा रेट मिलेगा और आप INR रूबल में चेंज करते हैं तो आपको बहुत कम मिलेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं 2019 में गई थी तो मेरे साथ शिक्षा थी, तो मुझे लगा इसे देख के इसमें बहुत दिमाग होगा करके, तो इसने उसने किया कि उसने 1,000 रुपीज़ अपने 2,000 कुछ अप्रॉक्सीमेटली हमने चेंज करे थे एयरपोर्ट पे, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया था। बाद में हमें पता चला कि अरे यार, मुझे लगा कि मुझ में दिमाग कम है, मैंने बोला चलो मेरे साथ वालों में भी दिमाग कम है। तो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत करना, आपको वहाँ पे पैसे थोड़े कम ही मिलेंगे। एंड कैश अपने साथ कैरी करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप जाते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आप चेकिंग करोगे, उसके बाद आपका इमिग्रेशन होगा एंड उसके बाद आप बोर्डिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा आपका। कोशिश करना एयरपोर्ट पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ, बिकॉज इमिग्रेशन के वक्त बहुत बड़ी लाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे मॉस्को के एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद आपका सिम हो सकता है, अगर एयरटेल नहीं है, आइडिया चलता है या नहीं चलता है मुझे पता नहीं, तो एयरटेल चलता है ये मुझे पता है। ठीक है, तो अगर तो आपका वहाँ पे सिम बंद हो जाए तो वहाँ पे किसी भी जिसे भी आप जानते हो या मेरा रशियन नंबर लॉगिन कर लेना वहाँ के वाईफाई के लिए। हाँ, आप जैसे ही नंबर से लॉगिन करोगे एक OTP आएगा, वो OTP मुझसे ले लो या जिससे भी जानते हो उसे ले लो, तो उससे आप वहाँ पे आपको वाईफाई का एक्सेस मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, घर वालों को बता सकते हो कि हाँ मैं पहुँच गया करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बाकी मैंने आपको एडेप्टर का बता दिया है कि वहाँ पे नॉर्मल चार्जर्स आप नहीं वहाँ के सॉकेट में इंसर्ट कर सकते हो। आपको ऐसा 2-pin मिलता है वहाँ पे 40-50 रुपए का, बट यहाँ नहीं मिलेगा शायद ये इंडिया में। तो यहाँ से जाते वक्त यूनिवर्सल अडेप्टर अपने साथ कैरी कर लेना, पावर बैंक कैरी कर लेना, बहुत नीड होती है उसकी, क्योंकि आपका अगर फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज होता है तो आपको पावर बैंक मस्ट है। तो ये थी सारी चीज़ें जो आपको जाने से पहले पता होनी चाहिए। दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।